गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम निशांत परमार है और मैं सीबीआई का ऑब्जर्वर हूँ। मेरा सिलेक्शन इंडियन रेलवे में हुआ है और मेरी रैंकिंग जिस हिसाब से है उससे मुझे सीए पोस्ट मिलेगा। ताली लगा दो यार, ताली लगा दो। बहुत ऐसे कमर्शियल अप्रेंटिस हैं अभी तक हिस्ट्री में जो डीआरएम तक जाकर रिटायर हुआ और नॉन टेक्निकल में डीआरएम तक पहुंचना। हम लोग विश करेंगे कि ऐसे लोग डीआरएम तक पहुंचे अपने 35 साल के साथ। अरे ऐसे ना और कमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट तो समझ ही रहो कितना मजेदार पोस्ट। सबसे पहले तो खुशी हुई कि हम लोग आज आगे बढ़ने का मौका मिला। अभी तक एक साल से पीछे बैठ रहे थे और बैंकिंग वाले को देख रहे थे कि हाँ यहाँ पे आके बोल रहे थे लोग, हम लोग सुन रहे थे और कभी कभी पीछे में हम लोग बोलते भी थे कि हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा है या फिर आगे आने का बैठने का मौका नहीं मिल रहा। और आज प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग लगभग 20 लोग आगे बैठे हैं। तो सबसे पहले एक्चुअली हम लोग यहाँ पे हम लोग एसएससी का ग्रुप है और तैयारी हम लोग एसएससी का ही कर रहे थे और रेलवे एसएससी से बहुत अलग नहीं है। बस इसमें एक पोर्शन इंग्लिश नहीं होता है, बाकी जीएस रीजनिंग मैथ वगैरह सारा होता है और एसएससी से लेवल उसका थोड़ा सा लो रहता है। तो मेरा इसमें स्कोर अच्छा होने का कारण ये था कि मैं करंट पढ़ते रहता था हमेशा और करंट में हमेशा पुराना करंट पढ़ता था और रेलवे में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें करंट अफेयर्स जो आया जो एक साल पुराना आया जो मेरे लिए काम कर गया और मेरी स्कोरिंग कैसे हो गई। जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ रेलवे में और खासकर एसएससी में उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत एक दो नंबर से लोगों का छूटा है, किसी का एक नंबर से किसी का पॉइंट से छूटा है। जैसे मैं पीछे में बैठे हुए सारे लोग मेरे दोस्त जिसमें से कम 10 लोग ऐसे हैं जिनका बहुत ही नॉर्मल मार्क्स से छूटा है। तो नेक्स्ट टाइम उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा और नेक्स्ट टाइम क्या बस 2-3 महीने में एसएससी का मेंस होगा, उनका सिलेक्शन होना है। तो थैंक यू। लेकिन भाग्यवश 2015 में आया जो ग्रेजुएशन में था उसमें हमने फॉर्म भरा, पीटी तो निकल गया लेकिन मेंस में थोड़ा सा मुश्किल था। उसके बाद मेंस से पहले मेरा सिलेक्शन हो गया अलायंस क्लब में और वहाँ पे हमने जैसे मेरा मैथ और इंग्लिश तक इंग्लिश ठीक था लेकिन क्या कि मैथ ये रेलवे इंग्लिश है नहीं और जी एस में वीक था। तो क्या हुआ कि फिर अलायंस क्लब ने मुझे बहुत सहयोग किया, जो सेकेंड हम कभी कभी इसके लिए कर लेते थे जीके के लिए। थैंक यू।